पश्चिम बंगाल के शिक्षक भर्ती घोटाले की जांच कर रहा केंद्रीय जांच ब्यूरो एक्शन में है। सीबीआई की टीम कोलकाता स्थित दफ्तर में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी से पूछताछ कर रही है। सीबीआई ने अभिषेक को समन कर 11 बजे अपने दफ्तर में पेश होने के लिए कहा था। अभिषेक बनर्जी ने सीबीआई के नोटिस के जवाब में पत्र लिखकर राज्य में निकल रही अपनी यात्रा का हवाला दिया, साथ ही ये भी कहा कि वो जांच में एजेंसी का पूरा सहयोग करेंगे। अभिषेक ने साफ किया था कि वो तय तिथि और तय समय पर सीबीआई के कोलकाता दफ्तर पहुंचेंगे। अभिषेक बनर्जी तय समय पर सीबीआई के कोलकाता दफ्तर पहुंच गए। अभिषेक बनर्जी ने पत्र लिखकर कहा था कि इन दिनों सूबे में एक यात्रा निकाल रहा हूं, जो मेरा प्रोफेशनल कमिटमेंट है। इसके बावजूद तय समय पर सीबीआई दफ्तर पहुंचेंगे। उन्होंने बांकुड़ा में शुक्रवार को अपनी जन सहयोग यात्रा स्थगित करते हुए सीबीआई के समन का जिक्र किया था और कहा था सीबीआई ने हरीश मुखर्जी रोड स्थित कार्यालय में पूछताछ के लिए बुलाया है। इससे पहले कलकत्ता हाईकोर्ट ने पिछले शुक्रवार को कुंतल घोष के पत्र मामले में अभिषेक की पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दिया था। उस दिन हुई सुनवाई में अभिषेक के वकील ने हाईकोर्ट से अपने पुराने आदेश पर पुनर्विचार करने का अनुरोध किया था, साथ ही तृणमूल सांसद को अंतरिम सुरक्षा देने की गुहार लगाई थी। अभिषेक के वकील ने भी जांच एजेंसी से इस दौरान आतंकवादी कदम नहीं उठाने की अपील की थी। डिवीजन बेंच ने कहा कि कई पूर्ववर्ती मामले हैं, उनके फैसले की घोषणा की जानी है, उन सभी साइट्स पर अपलोडिंग का काम चल रहा है, इसलिए अभी डिवीजन बेंच उस मामले की सुनवाई नहीं कर सकती। ऐसा तब संभव हो सकता है जब गर्मी की छुट्टी के बाद कोर्ट खुलेगा। गौरतलब है कि कुंतल घोष वर्तमान में पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा संचालित और सहायता प्राप्त स्कूलों में भर्ती में कथित अनियमितताओं के सिलसिले में सीबीआई की हिरासत में है। दरअसल शिक्षक भर्ती मामले में तृणमूल कांग्रेस नेता कुंतल घोष की शिकायत में टीएमसी महासचिव का नाम सामने आया था। घोष ने आरोप लगाया था कि भर्ती मामले में अभिषेक बनर्जी का नाम लेने के लिए केंद्रीय जांच एजेंसियों द्वारा उन पर दबाव डाला जा रहा था, जिसके बाद स्कूल भर्ती घोटाले के मामले में पूछताछ के लिए बनर्जी को पेश होने के लिए कहा गया था। घोष इस मामले में आरोपी है। इससे पहले न्यायमूर्ति अभिजीत गंगोपाध्याय ने 13 अप्रैल को अपने आदेश में कहा था कि आरोपी कुंतल घोष से केंद्रीय एजेंसियां अभिषेक बनर्जी के साथ पूछताछ कर सकती है। इसके बाद डायमंड हार्बर से टीएमसी सांसद बनर्जी ने इस आदेश को चुनौती देते हुए शीर्ष अदालत का रुख किया था, जहां उनके वकीलों ने न्यायमूर्ति गंगोपाध्याय के एक समाचार चैनल पर दिए इंटरव्यू का हवाला दिया था, जिसमें उन्होंने कथित तौर पर टीएमसी नेता के खिलाफ बात की थी। इसको ध्यान में रखते हुए 28 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आधार पर कलकत्ता हाईकोर्ट के तत्कालीन कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश ने दो मामलों, सोमेन नंदी बनाम पश्चिम बंगाल राज्य और रमेश मलिक बनाम पश्चिम बंगाल राज्य को न्यायमूर्ति गंगोपाध्याय की अदालत से लेकर न्यायमूर्ति सिन्हा को सौंप दिया था। वीडियो डेस्क amarujala.com।